अभी जो है ओला और उबर ड्राइवर का हड़ताल चल रहा था, और हड़ताल में जो आपका टर्म एंड कंडीशन था, माने जो गवर्नमेंट रेट मिल रही है वो मुझे मिलना चाहिए, उसमें एक और कंडीशन था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा। जितना भर आपका फ़ायदा नहीं था हड़ताल करने से, उतना ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो चलिए वीडियो आपको बताता हूँ कि क्या आप उसमें गलती कर रहे थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। तो देखिए आपका जो है मांग है, अच्छी बात है, आपको जो भी है मैंने रेट आपको कंपनी दे रही है वो आपका उतना से आपका काम नहीं चल रहा, तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे वीडियो देखा, और वीडियो में क्या था कि हमें जो है सरकार का जो रेट है, गवर्नमेंट रेट है, वो मुझे मिलना चाहिए, और थोड़ा सा और पैसे को बढ़ाना, इनक्रीज करने के लिए, सर ठीक है। दूसरा चीज़ मैं देखा कि आप जो है, आपके पास जो भी राइड आ रहा है ओला उबर से, जो भी राइड आ रहा है, राइड आपके पास आ गया, उसके बाद उसे कैंसिल करके कस्टमर को अपने गाड़ी पर बैठा करके उसे छोड़ना है, समझ नहीं, जो राइड आया उसको कैंसिल करके, और आप अपने पैसे को बढ़ा करके, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है 15% या 20% जो है वो लेती है, तो उससे भी बच जाए, और अगर कस्टमर से थोड़ा बहुत बातचीत बन गया, ओके, तो थोड़ा बहुत पैसे बढ़ा करके हम लेकर के जाएंगे और उनके लोकेशन पे उनको ड्रॉप करेंगे, और आईडी चालू रहेगा, आईडी बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे आप सबसे बहुत बड़ी गलती है, देखिए हड़ताल आपका 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, लेकिन इससे आपका नुकसान क्या है कि अगर एक बार आईडी बंद, देखिए कैब में क्या होता है ना, काम करते हैं तो कैब में ऑनलाइन ही सारे लोग डिपेंड होते हैं, ओला उबर या कोई और कंपनी के द्वारा जो भी है चल रही है, ओके। अगर आपकी आईडी ही बंद हो गई तो आपको हड़ताल करने से क्या फ़ायदा होगा। और जितने भी अगर बड़ी बड़ी कंपनी होती है, नेटवर्किंग की कंपनी होती है, तो वहाँ पे लोग के साथ साथ सिस्टम भी काम करते हैं, जैसे YouTube है, तो YouTube पे लोग काम कर रहे हैं तो सिस्टम भी काम करती है, वहाँ पे सिस्टम भी आपका सारे स्टेप बाय स्टेप देखती है। अब आप मान लिया जाए आप ऑर्डर आपके पास आ गया, तो ठीक है, अब आपको जाना है नोएडा, आपके पास कस्टमर आया, आप उससे बातचीत किया, भैया 290 रुपये हमने बनेगा, मैं 350 रुपये लूँगा, चला मान गया कस्टमर, आप लेके चले भी गए, ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, आईडी चालू है, ओके, आप लेके चले गए, अब जिस लोकेशन पे ड्रॉप करना है आपका लोकेशन चल ही रहा है, तो ठीक है आप आईडी बंद भी कर दिए, ऑर्डर कैंसिल करने के बाद आप आईडी को बंद कर दिए, अब जो है आप जो कस्टमर का लोकेशन है वहाँ पर उनको ले जाके ड्रॉप कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप वहाँ पर फिर अगर आप आईडी बंद करके लेके गए हैं तो आप वहाँ पे चालू करेंगे, ओके, या आप चालू करके लेके गए हैं, मतलब ऑर्डर को बस कैंसिल कर दिया और लेके गए आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए कि आप एक ऑर्डर सेफ है, दो ऑर्डर सेफ है। अगर आप 3 से 4 राइड करते हैं तो दिन भर में लोग जो है 15, 16, 20, 25 राइड कर देते हैं, अगर आप 5-6 राइड भी अगर आप ऐसे कर देते हैं ना, तो आपका लोकेशन जो है ना कंपनी ट्रैक कर लेती है कि भाई ये तो बंदा फ्रॉड कर रहा है, ओके, तो आपका आईडी जो है ना बंद होने का 100% चांस है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप हड़ताल रख रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत कीजिए, आप जो है डायरेक्ट आईडी को बंद कर दीजिए, जितना दिन का आपका हड़ताल है आप जो है आईडी को बंद करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आईडी सेफ है। और जो आईडी एक बार ब्लॉक हो जाती है, जो भी ड्राइवर हैं आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक बार आईडी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, वो दोबारा चालू नहीं होता है, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।